छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। इस ट्रेन का लोकार्पण यानी हरी झंडी रविवार को पंत प्रधान नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इस ट्रेन का जायजा आला अधिकारियों ने शनिवार को लिया, वहां हमारी टीम भी मौजूद थी। देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर यानी रविवार को नागपुर आ रहे हैं। रविवार को पंत प्रधान के हस्ते नागपुर में विविध प्रकल्पों का लोकार्पण किया जाना है। इनमें से एक है वंदे मातरम ट्रेन। रविवार को नागपुर रेलवे स्टेशन पर पंत प्रधान इसे हरी झंडी दिखाएंगे। रविवार को शुभारंभ होने वाली यह वंदे मातरम ट्रेन, ये 6 ट्रेन है। शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन का और इस ट्रेन का जायजा आला अधिकारियों ने लिया। बिलासपुर रेलवे जोन के जीएम आलोक कुमार ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। यह ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। फिलहाल इसे रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रही है, जिसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने का प्लान है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हैं। इस ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन के लगेज रैक में LED डिफ्यूज लाइट्स लगी हैं, जो अक्सर विमानों में लगी होती है। देखिए, ये देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल जिसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये ट्रेन नागपुर से रायपुर होते हुए बिलासपुर को कनेक्ट करेगी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, नागपुर विदर्भ क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सिटी है और बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिटी है। और इन शहरों के बीच में यात्रियों का काफ़ी आवागमन है। तो ये ट्रेन जो कि यहाँ से बिलासपुर की जर्नी लगभग 5 घंटे 20 मिनट के समय में पूरी करेगी, ये यात्रियों को एक फास्ट सुविधा प्रदान करेगी आवागमन के लिए। ये ट्रेन अत्याधुनिक ट्रेन है, जो कि पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। ये जो प्रायः हमारी जो ट्रेन्स होती हैं वो इंजन से चलती हैं, जिसमें आगे एक इंजन लगता है और पीछे कोचेस होते हैं। ये ट्रेन टेक्नोलॉजिकली इसमें इंजन नहीं है, इसमें ये सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है और इसमें यूनिट्स होते हैं। उनमें जो यूनिट्स हैं उनमें उन्हीं में इसको चलाने के लिए मोटर्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा इसका संचालन होता है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूटेड पावर होने की वजह से जो इसकी गति बढ़ने की और ब्रेकिंग रिड्यूस होने की जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है वो काफ़ी फास्ट होता है। इसके अलावा ये जो ट्रेन है ये 160 kmph की ऑपरेटिंग स्पीड के लिए डिजाइंड है और 180 kmph तक इसका टेस्टिंग किया जा चुका है। तो ये ट्रेन एक फास्ट स्पीड प्रोवाइड करने वाली, ये बहुत कंफर्टेबल भी है। इसका जो पूरा डिज़ाइन किया गया है, सस्पेंशन सिस्टम आदि, तो ये इसमें जो जर्नी है वो बहुत कंफर्टेबल भी होगी, पूरी तरह एयर कंडीशन ट्रेन है। रविवार को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए नागपुर रेलवे स्टेशन सजाया गया। रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार एवं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 फूलों से सजाया गया है। 11 तारीखला म्हणजे रविवारी म्हणजे उद्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वंदे मातरम ट्रेनला हिरवी झेंडी दाखवण्यात येणार आहे। सध्या आपण ज्या ट्रेनमध्ये आहे तीच आहे वंदे मातरम। AC पूर्ण ही रेल्वे आहेत। पहिले जुन्या रेल्वेपेक्षाही फोनच्या गाड्या देण्यात आल्या, CCTV कॅमेरे यात बसवण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे जास्त जलद गतीने चालणारी ही ट्रेन आहे। उद्याच रविवारी या ट्रेनला सकाळला नरेंद्र मोदी हे नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वरून हिरवी झेंडी दाखवणार आहेत। पूर्ण रेल्वे स्टेशन सजवण्यात आलेलं आहे, सुरक्षा व्यवस्था एकदम बंदोबस्त चोख करण्यात आलेला आहे। केंद्रशासित पोलीस सिक्युरिटीनी हे पूर्ण आपल्या हातात घेतलेलं आहे। त्यामुळे उद्या रविवारला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या ट्रेनचं उद्घाटन करून हिरवी झेंडी दाखवण्यात येणार आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोडसह अभिषेक पानसे, NBC News नागपूर।